नमस्कार, आप देख रहे हैं 5W1H। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि इस चिट्ठी को 150 से ज्यादा पूर्व सेना के अफसरों ने राष्ट्रपति भवन को भेजा है। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी मिलने से इंकार किया है। इस चिट्ठी को लेकर आपको बता दें, कांग्रेस ने सियासत भी शुरू कर दी है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख जनरल रॉड्रिग्स और पूर्व वायुसेना प्रमुख NC सूरी ने चिट्ठी की बात को ही खारिज कर दिया। सेना पर हो रही सियासत पर राष्ट्रपति को लिखी कथित चिट्ठी से कुछ पूर्व सेना प्रमुखों का इनकार, और पूर्व वायुसेना प्रमुख NC सूरी ने चिट्ठी लिखने की बात खारिज की। आज राष्ट्रपति भवन ने भी कथित चिट्ठी मिलने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल चिट्ठी को कांग्रेस ने ट्वीट कर BJP पर निशाना साधा था। कथित चिट्ठी पर रक्षा मंत्री ने कहा, पूर्व सैन्य अफसरों के नाम से फर्जी चिट्ठी, आपत्तिजनक। रक्षा मंत्री ने यह भी सवाल पूछा कि जब राष्ट्रपति को चिट्ठी नहीं मिली तो सार्वजनिक कैसे हुई। सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को पूर्व सैन्य अफसरों की कथित चिट्ठी पर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल SF रॉड्रिग्स और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल NC सूरी ने चिट्ठी लिखने की बात से इनकार करते हुए कहा कि सेना का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो होगा ही, पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। तो अगर किससे बात किया था तो कोई एंटीसीडेंट मालूम होगा कि ये फलाना यूनिट का है या रेजिमेंट का है या क्या है, लेकिन ये पता नहीं, whether it even exists, I don't know। कांग्रेस ने वायरल हो रही चिट्ठी को ट्वीट कर BJP पर सवाल उठाया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैन्य अफसरों के नाम से फर्जी चिट्ठी आपत्तिजनक है। BJP ने कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री। एयर मार्शल सूरी एंड जनरल रॉड्रिग्स हैव सेड दैट दे हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट फॉर दैट पिटिशन व्हिच वेंट टू द राष्ट्रपति। इट इज वेरी वरिंग दैट इफ पीपल्स कंसेंट आर नॉट इवन बीइंग टेकन एंड फेक लेटर्स, फेक एलिगेशंस are being signed by some vested interest groups, it is absolutely condemnable। कोई कांग्रेस की फेक फैक्ट्री, कांग्रेस की फेक फैक्ट्री इस काम को कर रही है तो निश्चित तौर से ये खुद गंभीर विषय है। अरे भाई, इसमें कुछ लोगों के नाम अगर गलत डाल दिए गए तो विषय है ना वो।